कंग्रेचुलेशन प्रतीक। क्यों भैया? सो जेई में सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप हमें बताएं आपकी जेई मेन और एडवांस में क्या परफॉर्मेंस रही? मेंस में मेरी रैंक थी 1304 और एडवांस में मेरी रैंक है 244। ओके, और बहुत बहुत अच्छी बात है। सो जेई के टॉपर लिस्ट में अब आपका नाम है, कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब मेहनत जो की थी 2 साल से वो रंग लाई आखिरकार, तो खुशी तो बहुत है। ट्वेल्थ बोर्ड में कैसी रही आपकी परफॉर्मेंस? बोर्ड में मेरी परफॉर्मेंस 96.8% है मेरी। Okay. और ठीक थी, मतलब मज़े आए, अच्छा लगा। हमें आप बताएं आपने अपनी तैयारी कब शुरू की? मैंने तैयारी शुरू की थी 11th में जब मैंने VMC ज्वाइन की थी। उससे अच्छा। पहले मैं स्कूल में पढ़ता था नॉर्मल। तो बाकी भी जो भी जेई एस्पिरेंट्स हैं उनको अगर आप कोई मैसेज देना चाहें वो कब तैयारी शुरू करें? ठीक है, मेरे हिसाब से ये कि अगर आप 9th और 10th आपको लगता है कि आप खुद से पढ़ सकते हो, अपने क्लास का पेस रख सकते हो और आपको इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग की तरफ, तो फिर आप 11th 12th में आराम से कोप अप कर सकते हो अगर आपके पास उतना डिटर्मिनेशन है। तो 2 साल मेरे हिसाब से तो काफ़ी होते हैं जेई एडवांस के प्रिपरेशन के लिए। जेई मेन और एडवांस की तैयारी में कुछ खास फर्क था आपके लिए? मेंस और एडवांस के लिए आपको बिल्कुल मतलब बेस लेवल से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ओके। क्योंकि आपको उस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन आते हैं एडवांस में, उसका हर एक एस्पेक्ट आपको देखना पड़ेगा। अनलेस आप वैसा देखते हो आप सारे क्वेश्चंस मतलब सारे ऑप्शंस टेक नहीं कर पाओगे, और वो एडवांस पे एक एक नंबर काफ़ी मैटर करता है। अच्छा। ओके। आपने अपनी तैयारी के लिए किन किन किताबों का प्रयोग किया और कोई ऐसी कोई किताब जिसके बारे में आप हमें बताना चाहें? मेरे बेसिकली मैंने विद्या मंदिर की मॉड्यूल्स रेफ़र की थी और NCERT की बुक्स रेफ़र की हैं। बाकी इंपॉर्टेंट अगर बुक्स की बात की जाए तो NCERT की केमिस्ट्री की बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक के लिए। okay. कि पूरी इनऑर्गेनिक वहीं से आने वाली है, आप इसे बता देता हूँ। okay. एंड अगर आपको NCERT की तरफ में थोड़ी और हेल्प चाहिए फिजिक्स में तो आप HCOMI रेफर कर सकते हैं। मैथ्स के लिए विद्या मंदिर के मॉड्यूल्स मोर देन सफिशिएंट। जनरली देखा गया है कि तैयारी के वक्त आपको पता लगता है कोई आपका टॉपिक वीक है, तो आप उन वीक टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए क्या करते थे? मैं ऐसे करता था कि जो क्वेश्चंस, एक तो टॉपिक आपको ऐसा होता था कि पहले तो मैं थ्योरी पढ़ता था, अगर मेरे को पहली बार समझ में आया तो मैं 2-3 बार थ्योरीज पढ़ता था। okay. फिर उसके बाद मैं ये कोशिश करता था कि हाँ देखूँ कि कौन से क्वेश्चन में अटक रहा हूँ, उसके क्या मतलब क्या गलत हो रहा है उसमें, कौन सा स्टेप मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। मैं वो क्वेश्चन मार्क करता था, उसको मैं बार बार रिपीट करता था ताकि मेरे को मतलब उस लाइन ऑफ थॉट के बारे में पता चले कहाँ सोचना है, सो दैट क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इस तरह से आपने उन टॉपिक को भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। हमें आप बताएं कि जेई की तैयारी में के साथ साथ आपने स्कूल की भी तैयारी की, तो इसको कैसे मैनेज किया आपने? देखिए स्कूल मेरे हिसाब से, क्योंकि आप जब जेई की प्रिपरेशन करते हैं आप बहुत ही मतलब बेसिक्स पढ़ते हैं आप, तो जो कोर 3 सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वो आपके काफ़ी स्ट्रांग होते हैं पहले से। तो उनके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, 1-2 दिन आप पहले से जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं जो आपके मेंस में आते हैं और बोर्ड्स में आते हैं बट एडवांस में नहीं आते, उनके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़े, उनके लिए 1-2 दिन काफ़ी होता है, एग्ज़ाम से पहले आप पढ़ लीजिए हो जाएगा। जहाँ तक इंग्लिश की बात है, इंग्लिश आपको पढ़ना चाहिए, मतलब एक तो लिटरेचर आप हर रोज़ पढ़ सकते हैं, राइटिंग के आप फॉर्मेट्स देख लीजिए 1-2 हफ्ते पहले एग्ज़ाम के, दैट इज़ मोर देन इनफ। और कंप्यूटर साइंस, मैंने कंप्यूटर साइंस ली थी तो उसके लिए एक बुक हमारे टीचर ने रिकमेंड की थी अरिहंत की, उन्होंने प्रैक्टिस पेपर होते हैं और वो एक हद तक मतलब काफ़ी हद तक बता देते हैं कि कैसा एग्ज़ाम आएगा, आपको क्या प्रिपरेशन रखनी है, उसमें सॉल्यूशंस भी हैं तो आप समझ सकते हो कैसे करना है सब। जनरली बच्चे आजकल इसे 6 सब्जेक्ट बना देते हैं, हमने देखा है कि 3 वो जेई की तैयारी कर रहे हैं और 3 स्कूल की। आपकी बातों से ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा होता है? 6 सब्जेक्ट मेरे हिसाब से तो बर्डन है एक्स्ट्रा। और ऐसा है भी नहीं क्योंकि आप 3 ही वही सेम चीज़ें तैयारी कर रहे होते हैं जो यहाँ पढ़ते हैं, सेम चीज़ें स्कूल में भी होती हैं, बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना होता है। कुछ 1-2 टॉपिक्स होते हैं जो आप एडवांस के लिए सिर्फ नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो आपके एडवांस में नहीं आएंगे, लेकिन मेंस में रहते हैं वो, तो अगर आप उसके लिए आप NCERT पढ़िए, NCERT में काफ़ी कुछ अच्छे से लिखा हुआ है और एग्जैक्ट अगर उससे क्वेश्चन भी आते हैं आपके मेंस में उठा सेम टू सेम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं उसमें। तो आप हमें बताएं कि आपके हिसाब से सबसे ज़रूरी बात क्या है जेई की तैयारी के लिए? डिटर्मिनेशन। अगर आपने सोचा है कि आज ठीक है आज मैं बैठा हूँ मेरे को इंटीग्रेशन ख़त्म करना है, तो बिना मतलब उसको ख़त्म किए आप सो नहीं सकता। जब तक आप इतना डिटरमाइन होकर नहीं करेंगे पढ़ाई, मेरे हिसाब से तो काफ़ी मुश्किल होगा ये एग्ज़ाम क्रैक करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। ओके। तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम आपसे ये जानना चाहते थे कि जेई की तैयारी में आपका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या था? मेरे को
मेरे को मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छा लगता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो लॉजिकल स्किल्स होती हैं और स्पेशली कोडिंग। और मेरे को ये भी लगता है कि इंजीनियरिंग आगे चल के काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि नई नई चीज़ें जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे पास रिसोर्सेज हैं, बट उनका अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए इंजीनियर्स जो नई नई टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं उस फील्ड में काम करना चाहता था इसलिए मैंने सोचा कि इंजीनियरिंग। ठीक है, आजकल की दुनिया में काफ़ी सारा डिस्ट्रैक्शन है और स्ट्रेस भी काफ़ी सारा होता है, तो आप जेई एस्पिरेंट्स को ये बताएं कि अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए क्या करें। अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए मैं पर्सनली मैं गाने सुनता था। अच्छा, लोग गाने सुनना अच्छा लगता है, और उसके अलावा कोई टीवी सीरीज देख सकते हैं, प्रेफरेबली कॉमेडी या एनिमेटेड, बिकॉज वो ऐसी चीज़ें होती है जो आपको खुश लग सकती हैं थोड़ी देर, ठीक है, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा और उसमें ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती कि आज इससे आपको दिमाग भटके इधर उधर, उसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको बस खुश लाती है। तो अपनी इतनी शानदार सफलता हासिल की जेई मेन में, जेई एडवांस में, तो अब आप कौन से आईआईटी में जा रहे हैं और कौन से स्ट्रीम आपने चुनी है? मैं आईआईटी दिल्ली में जा रहा हूँ और मैं 4 years मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर में पढ़ूंगा। अब हमारे बारे में थोड़ी बात कि विद्या मंदिर ने आपकी कैसे मदद की जेई की तैयारी में? विद्या मंदिर सबसे ज़रूरी बात थी कि यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होता था। एक तो यहाँ के मॉड्यूल्स काफ़ी अच्छी हैं, उन मॉड्यूल मैंने सिर्फ और सिर्फ उन मॉड्यूल्स को फॉलो किया, क्योंकि मेरे का एनसीईआरटी की तरफ में मेरा उतना ज़्यादा ध्यान था नहीं, मैंने सिर्फ मॉड्यूल्स फॉलो किए हैं। और यहाँ का जो स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट है उसने काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि हम लोगों को इतना कोई प्रेशराइज नहीं किया जाता था कि हाँ तुम ये करो, ये बुक्स करो, 10 बुक्स करो, नहीं, तुम हमें मॉड्यूल्स मिलती थी, तुम करो, तुमसे ये एक्सपेक्ट करते थे कि तुम खुद से अगर तुम डिटरमाइन हो तुम करोगे, तो वही एक्सपेक्टेशंस थी हम लोग से एंड हमने वो फुलफिल की। और थोड़ा अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो विद्या मंदिर के बुक्स, विद्या मंदिर के टीचर और बाकी सपोर्ट को आप किस तरह से देखते हैं? उन्होंने काफ़ी मदद की हमारी, मतलब जब भी कुछ कोई भी दिक्कत होती थी हम लोग हमेशा बड़े भैया, संदीप भैया, आप उन सब से हम कभी भी मिल लेते थे और वो मतलब साथ जितनी भी परेशानी होती थी वो जनरली क्लियर हो ही जाती थी। और काफ़ी सपोर्टिव स्टाफ थे, और मतलब कोई भी क्लास चेंज करनी हो, लाइक किस दिन मिस हो गई आपकी क्लास, वो सब कोई भी दिक्कत आज तक तो मेरे को तो फेस नहीं हुई और आगे भी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से लोगों को। इसको कंक्लूड अगर इस सवाल से करें कि आपके हिसाब से विद्या मंदिर की सबसे खास बात क्या है? विद्या मंदिर सबसे खास बात तो मेरे हिसाब से स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट होनी चाहिए, जहाँ पे मतलब आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना, और यहाँ के टीचर्स स्पेशली बड़े भैया आपको इतना मोटिवेट करते हैं कि हाँ मतलब केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हो, केमिस्ट्री आप मतलब केमिस्ट्री आपको अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगने लगता है आपको पढ़ोगे आप। तो आपको पता है आप अब हजारों स्टूडेंट्स के इंस्पिरेशन हैं, आप कोई मैसेज या कोई उनको प्रिपरेशन टिप्स देना चाहते हैं जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं? मेरे हिसाब से बस ये है कि इंजीनियरिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है, और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आपको पक्का ये करना चाहिए। और एडवांस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे डिटर्मिनेशन है, हर रोज़ पढ़ें, ज़्यादा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है सबसे पहली बात, जो लोग सोचते हैं कि 16 घंटे 18 घंटे कोई फ़ायदा नहीं है, कंसिस्टेंटली रहें, 7-8 घंटे ज़्यादा हैं मतलब काफ़ी हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन इतनी हो जाएगी कि आप एक अच्छी रैंक ला सकें जो एडवांस में। थैंक यू सो मच, थैंक यू आपने हमें समय दिया, हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा करें। थैंक यू, धन्यवाद।